नमस्कार, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आप सभी का RSSI NGO में। शिक्षा किसी भी बच्चे के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि उसका नैतिक अधिकार है। रीना शिक्षा सहायक फाउंडेशन एक ऐसा NGO है जो जरूरतमंद बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करता है। बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था, बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात, सुरक्षा के नजरिए से CCTV की व्यवस्था, शुद्ध पानी, कंप्यूटर क्लासेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के लिए ऑनलाइन सिस्टम, कागज़ का कम उपयोग, छात्राओं के लिए मुफ्त शैक्षिक स्टेशनरी और सैनिटरी पैड, NGO का एजुकेशनल टूर, सिस्टमैटिक टेस्ट सिस्टम उनमें से एक हैं। 10 साल पहले जो सफ़र एक छोटे से कमरे में 4 बच्चों को पढ़ाने से शुरू हुआ था, एक रिपोर्ट के अनुसार RSSI ने लाभार्थियों को 3040 घंटों की सक्रिय सुविधाएं प्रदान करके ज़रूरतमंद जिंदगियों को और उनसे जुड़े लोगों को सशक्त बनाने का प्रयास किया है, जिसमें शिक्षा के साथ दूसरी को करिकुलम एक्टिविटीज शामिल हैं। यहाँ पर शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए यहाँ के शिक्षक पूरे लगन के साथ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। मेरा नाम आरुषि है। RSSI के बारे में मुझे नेट से पता चला। उसको जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इन बच्चों की इतनी मदद कर रही है, कि मैं एक योगदान दे सकूं इस देश के फ्यूचर के लिए, क्योंकि इन बच्चों को एजुकेट करना अपने में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ से पढ़े बच्चे आज समाज के लिए उपयोगी साबित होने के साथ साथ वर्तमान में NGO के बच्चों को संघर्ष की सीढ़ी चढ़कर सफलता की मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा देते हैं। झांसी से हैं आप, तो यहाँ पर आकर NGO में पढ़ाई करके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इंग्लिश पढ़ना सीखा। अच्छा। मैथ भी लगा लेता हूँ। अच्छा। और मैं हिंदी भी सीखा, मैं कंप्यूटर टाइपिंग भी सीखी मैम। क्या नाम है आपका बेटा? राधा। राधा, आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। घर का काम करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। व्हाट्स योर नेम बेटा? माय नेम इज सोनू कुमार। कंप्यूटर टाइपिंग सीखा है, आर्ट क्राफ्ट सीखा है और मैम यहाँ पे डांस भी सिखाई जाती है। कुछ बताती है कि मैम लोग कंप्यूटर्स में भी हम लोग सीखते हैं, हम लोग टाइपिंग सीख रहे हैं, जिससे कंपटीशन भी कराया जाता है। अच्छा। और ये भी बताते कि गुड टच बैड टच क्या होता है, तो दिखाया जाता है TV में, उसमें स्मार्ट क्लास भी होती है। सैनिटरी पैड्स आपको मिलते हैं हर महीने? मुझे NGO में बहुत अच्छा लगता है। जो भी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स काफी प्रोफेशनल वर्क से काम करते हैं। इसके साथ ही NGO में फैकल्टीज को उनके काम के लिए सम्मानित भी किया जाता है और उन्हें नई टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशनल ट्रेंड को समझाने के लिए प्रशिक्षण सत्र भी रखे जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार यहाँ पर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर अनुभव मिलेगा। साथ ही कम्युनिटी सर्विस करने के लिए ये सबसे अच्छा कार्यस्थल है। RSSI NGO अलग अलग कम्युनिटी इनिशिएटिव्स के साथ चलते हुए रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप इस टीम वर्क, जितने भी यहाँ का मतलब स्टाफ है सब ने काफी कोऑपरेट करा, तो उस हिसाब से काफी अच्छा एक्सपीरियंस था अभी तक। अगर हम छोटे बच्चों को ट्रेन कर दिया तो हम किसी को भी समझा सकते हैं। एक अप्रैल से शुरू होने वाले इस स्कूल में 3 से 5 साल तक के बच्चों का एडमिशन हो सकेगा, जहां पर बच्चों को अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। मुझे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं RSSI से जुड़े हुए। इससे पहले मैं यहां की स्टूडेंट भी रह चुकी हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है RSSI में आना, बच्चों के साथ रहना, टीचर्स के साथ रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो RSSI के साथ जुड़ के अच्छी और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।